सभी व्यूअर्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप दिखाएंगे फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद। उसका कंपैरिजन करेंगे जो इनिशियल सैलरी स्लिप होती है एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर जब ज्वाइन करता है तो जो उसकी फर्स्ट सैलरी स्लिप होती है और उसके बाद जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है तब दोनों सैलरी स्लिप्स आप लोगों को दिखाएंगे। आपको दिखी रही होगी, ऐसी आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मेरी सैलरी स्लिप है तो इसमें दिसंबर 2022 की सैलरी स्लिप और जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप दिखाएंगे, क्योंकि दिसंबर 2022 की वो सैलरी स्लिप थी जो मेरी चल रही थी स्टार्टिंग से इनिशियली, और जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप वो थी जिसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट लग गया था। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद कितनी सैलरी में इंक्रीज हुआ और क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें मिलती है, यानी कि कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। मेन मोटिव है आप लोगों को मोटिवेट करने का, मतलब मेन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको देखकर मोटिवेट हो और जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और जो आपके एग्जाम्स और आने वाले हैं आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, आपको और हिम्मत मिले तैयारी करने की। क्योंकि देखो मेन जो एक इंसान सरकारी नौकरी चाहता है, नौकरी कोई भी नौकरी चाहता है, वो इसीलिए तो चाहता है ना कि भाई पैसा कमाना है, सैलरी चाहिए। देखो सैलरी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपको मोटिवेशन मिलेगी। सरकारी नौकरी का तो वैसे अपना एक अलग ही क्रेज है, मतलब देश सेवा भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो इंसान जब भी नौकरी करता है तो वो सैलरी के लिए करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इससे आप लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगी और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप लोगों को दिसंबर 2022 की सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। दिसंबर 2022 की क्या सैलरी स्लिप में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सारी चीजें दिखा देता हूँ। पहले तो आपको बताता हूँ कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर है ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की जॉब होती है और जो इनिशियली इसकी बेसिक पे होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इसकी बेसिक पे रहती है वो रहती है 44900 और वो इंक्रीमेंट लगते रहते हैं और इंक्रीमेंट लग लग के बढ़ती रहती है। तो 44900 बेसिक पे के ऊपर डीए होता है, एचआरए होता है, टीए डीपीटी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, एनपीएस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है इनिशियली वो लगभग 87,000-88,000 के आसपास बन जाती है। अभी आप लोगों को समझा भी दूंगा कि कैसे बनती है, ये इनिशियली है और फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद तो और इंक्रीज हो जाता है, इसमें अभी आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उनकी टेंशन खत्म कर दी है पीडब्ल्यू ने। पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए हर मुश्किल का सोल्यूशन लेके आया है। तो जो लोग भी एसएससीएल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है आप में से मोस्टली जितने भी लोग हैं वो सब लोग कर ही होंगे, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है कि आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ना एसएससी वाला ने ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच निकाला है जिसमें बेस्ट फैकल्टीज होंगी और अफोर्डेबल प्राइस है। मतलब कि आपको ये जो बैच है ना सिर्फ 1499 रुपये मिल जाएगा और ये प्रॉपर एग्जाम टारगेटेड बैच है। इसमें आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे और जो स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट्स होंगे ना उनको मंथली मैगजीन भी मिला करेंगी, नए पैटर्न पर फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी नए क्वेश्चंस के साथ। और आप में से जो भी लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की तैयारी कर रहे हो ना उनके लिए एक आगाज बैच लॉन्च हुआ है, वो सिर्फ 999 रुपीज में है। तो भाई जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो लोग ज्यादा सोचो मत और टाइम वेस्ट मत करो, आप लोगों को लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जो लोग भी बैच लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हो। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड KGS100 यूज कर लेना। कूपन कोड KGS100 यूज करने से आपको इंस्टेंट 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो ना तो एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग वहां पर कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं जो सैलरी स्लिप की हम बात कर रहे थे। बेसिक पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये देखो आप लोग बेसिक पे 44900 आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद डीए जो आजकल फिलहाल अभी 38% चल रहा है, ये इसमें तो चेंज होता ही रहता है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, वो हो गया। उसके बाद एचआरए, देखो ये एक्स वाई जेड अलग अलग सिटीज का अलग अलग रहता है एचआरए, उसी के ऊपर टीपीटी भी मतलब उस हिसाब से चलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि तीन तरीके की सिटीज है, तीन स्लैब में डिवाइड किया गया, एक्स वाई और जेड। तो ये जो सैलरी स्लिप है गुरुग्राम की सैलरी स्लिप है, बाकी अलग अलग सिटी के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। ये टीपीटी हो गया, तो ये टोटल अगर मैं कर दूं तो ये टोटल हो जाता है 76569 76,570। ये गुड़गांव की सैलरी स्लिप है, इसकी अगर आप दिल्ली की देख लो या आप रोहतक की देख लो, आप किसी और एरिया की देख लो, ऐसे अलग अलग एरियाज में आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब लेकिन अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो लॉजिकली जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है ना वो इससे काफी ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो कि 86,000-88,000 के आसपास, ये बिना इंक्रीमेंट की इनिशियल सैलरी है। अब ये बता दूंगा कि ये कैसे, अब डिडक्शंस देख लो एक बार, ये CGGIS स्कीम होती है उसमें आपकी रिडक्शन होता है, फिर आपकी जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, ये जो एमटीयर वन लिखा हुआ है ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, फिर इनकम टैक्स आपको लगा होगा इतना ज्यादा कट गया, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इतना ज्यादा इसलिए कट गया क्योंकि देखो जो पूरे साल का जो इनकम टैक्स होता है ना वो कटना होता है समय के साथ साथ। तो ऐसा हो सकता है कि किसी महीने इनकम टैक्स कम कटा होगा, मतलब हो सकता है एक दो महीने नहीं कटा होगा या किसी महीने कम कटा होगा, तो उस हिसाब से जो साल के आखिरी के महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर के लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं उन 3-4 महीने में इस हिसाब से बैलेंस करके इनकम टैक्स ज्यादा काट लेते हैं कि जो पूरे साल का था उस हिसाब से मैनेज हो जाए। फिर CGHS होता है, इसमें 650 रुपए आपके कटते हैं। अब जो मैंने बताया कि 86 to 88,000 कैसे हो जाती है, ये जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है ना ये
ये तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए सरकार भी देती है। आपका तो कटता है 10%, सरकार देती है 14%, तो उस हिसाब से उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो लॉजिकली आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 86 से 88 हजार के बीच बन जाती है। ये तो थी इनिशियल सैलरी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इंक्रीमेंट की बात। देखो इनिशियल में आपकी जो बेसिक पे है 44,900 है और सब कुछ जो है वो बेसिक पे के आसपास ही घूमता रहता है। बेसिक पे मतलब एक ऐसी चीज है कि वो जिसको अट्रैक्ट कर दिया उसके चारों तरफ घूम रही है सारी चीजें। अब देख लेते हैं फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद जनवरी 2023 की सैलरी। फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ, फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद 44,900 से बेसिक पे आप लोगों की हो जाएगी 46,200। अब इसके आसपास ही घूमनी है सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज बढ़ेगी। डीए बढ़ गया आपका, परसेंटेज वही रही लेकिन वैल्यू तो बढ़ गई ना। ये एचआरए हो गया, ये टीपीडी हो गया। तो देखो ये सैलरी स्लिप में तो आप लोगों को ये दिख रही है, लेकिन लॉजिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो लॉजिकली अगर ग्रॉस सैलरी की बात करूंगा तो 88,000 प्लस अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। अब वही जैसे जो मैंने आपको डिडक्शंस बताए थे वही सारे डिडक्शंस हो रहे हैं, और नेट सैलरी तो उन सब डिडक्शंस के बाद ही मिलती है। इसमें नेट सैलरी आप लोगों को कम इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के महीने चल रहे हैं और इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा डिडक्शन हो रही है इनकम टैक्स की, क्योंकि बाकी के महीनों में स्टार्टिंग में कम डिडक्शन हुई थी। तो ये चीजें तो धीरे धीरे मैनेज हो जाती है, बैलेंस बना रहता है इन चीजों का। देखो इनकम टैक्स है, जो भी टैक्सेस है वो तो आपको पे करनी है। तो भाई आप लोग खुद देखो कि कितनी अच्छी सैलरी है। इतनी सैलरी मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सैलरी है। कुछ लोग हो सकते हैं सोच रहे होंगे कि भाई ये सैलरी कुछ भी नहीं है। देखो ये चीजें तो ऐसा होता है कि सबकी अलग अलग चीजें हैं। किसी की सैलरी मान लो 4-5 लाख है तो उसको लग रहा होगा कि यार कुछ भी नहीं है सैलरी तो वही बात है कि लेकिन हमारे हिसाब से और जो लोग एक्सपीरियंस है उन सबके हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सफिशियंट है। जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ढीले पड़ रहे हैं या कुछ भी है, मतलब ये ऐसा है कि ये आपको एकदम बूस्ट कर देगी आपकी प्रिपरेशन को कि नहीं यार मुझे तो ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, इतनी सैलरी मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इतनी सैलरी से आपके ऑलमोस्ट सारी जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके शौक हैं, आपकी वैसे तो देखो इच्छाएं तो अभी पूरी हो ही नहीं सकती किसी की, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटीज और उसके साथ जो बेसिक लग्जरीज होती है वो सब आपकी पूरी हो सकती है इतनी सैलरी में इजीली। तो भाई आप लोग इस चीज को देखकर मोटिवेट होते रहो और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। आप लोग बिल्कुल भी लूज मत पड़ो। आप ये सोचो कि इस बार करना ही करना है, चलो कोई बात नहीं, 1% इस बार नहीं भी हो तो अगली बार करना ही करना है। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो हम तो है ही, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। बाकी हमारा नया चैनल है, ये तो चैनल कपूर गुरुकुल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।